मेरे को लगा मैंने कर दिया ये कंपैरिजन, क्योंकि ज़रूरत थी इस कंपैरिजन की। सेम डिस्प्ले क्वालिटी, फीचर्स, सारे के सारी चीज़ें सेम मिलती है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनका कंपैरिजन करना चाहिए एक, राइट। तो मैं आ चुका हूँ इसका कंपैरिजन करने, कॉस्मोस की पेबल कॉस्मोस अल्ट्रा और क्रॉसबीट्स की एस फोर मैक्स, तो दोनों का ही हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे। अमेजिंग यहाँ पे जो फीचर्स के साथ आती हैं, और अभी क्रॉसबीट्स की एस फोर मैक्स जो है, अभी जितनी भी वॉचेस आप ले लो बजट सेगमेंट में, उससे सबसे बेटर डिस्प्ले मिलती है इसकी। क्यों? एमोलेड डिस्प्ले से मैं अगर साइड करूँ तो थोड़ी सी, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले डेफिनेटली पंची कलर्स, डीपर ब्लैक्स डेफिनेटली बेटर होती है। बट अगर मैं इवन एमोलेड वाली डिस्प्ले से भी कंपेयर करूँ, यहाँ पे जितनी वॉचेस थी इसमें एज टू एज डिस्प्ले मिलती है। इवन एमोलेड डिस्प्ले वाली वॉचेस भी आपको एज टू एज डिस्प्ले नहीं दे पाई हैं, जो कि आपको क्रॉसबीट्स प्रोवाइड कर रहा है। बट एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप क्रॉसबीट का कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो 5-10% का, अप टू 10% तक का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल सकता है। आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे, करना क्या है, टेकपो कूपन कोड यूज़ कर लो, TECHPOK, आपको करीब करीब 5-10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी वॉच पे, किसी भी ईयरबड पे, किसी भी नेकबैंड पे, किसी भी एक्सेसरी पे 5-10% का फ्लैट डिस्काउंट। तो डील को ग्रैब करो गाइज, आप सभी के लिए ये। और इस कंपैरिजन को, इस अमेजिंग कॉलिंग वॉच कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों से मैं बहुत सारी बातें करता हूँ, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि तीन चीज़ें जरूर देखनी चाहिए अपनी वॉच अगर आप बाय कर रहे हो। डिस्प्ले की पिक्सल साइज, दूसरा पर पिक्सल डेंसिटी, और शार्पनेस तीसरी, और सनलाइट विजिबिलिटी तो वो भी मैटर करती है। यहाँ पे पिक्सल साइज या डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पे एस फोर मैक्स आगे निकल जाती है। यहाँ पे अपने भी कोई ऐसा वॉच फेस लगाते हो, पिक्सलेट नहीं होगी पहली बात तो। कॉस्मोस अल्ट्रा में होगी पिक्सलेट, यस, क्योंकि इसमें डिस्प्ले साइज बड़ा है, पिक्सल साइज कम कर रखा है। 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, एस फोर मैक्स में 320 पिक्सल का रिजोल्यूशन है। स्ट्रेट अवे एस फोर मैक्स स्ट्रेट अवे विनर है। अब बहुत सारे लोग आंख बंद करके कॉस्मोस अल्ट्रा को ले तो लेंगे, बट जब वो घर पे आएंगे, जब उसके घर पे वॉच आएगी, उनके घर पे वॉच आएगी, जब वो अपनी कोई ऐसा वॉच फेस लगाएंगे, जब उनको पता चलेगा कि पिक्सलेट हो रही पिक, तब उनको थोड़ा सा रिग्रेट फील होगा, मैंने ये क्यों ले ली, राइट। थोड़ा सा फिर आपको देखना चाहिए। आगे बात करें डिस्प्ले साइज की, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे लार्ज टू मीडियम वेस्ट के लिए ठीक है, स्किनी वेस्ट पे रिकमेंड नहीं करता, नॉर्मल जो आपके थिन वेस्ट हैं उस पे भी रिकमेंड नहीं करता, दोनों में से कोई सी भी वॉच में। बट एस फोर मैक्स की बात हम करें तो थिन वेस्ट पे ठीक लगती है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाइड विड्थ है, मतलब चौड़ाई है, जो एस फोर मैक्स में ज़्यादा बेटर दी गई है, तो जिसकी वजह से ये लंबाई में कम है, जिसकी वजह से चौड़ाई में ज़्यादा है, तो ये थिन वेस्ट पे ठीक लग सकती है, बट ज़्यादा थिन स्किनी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, राइट। आगे बात आती है यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी और ओवरऑल कलर एक्यूरेसी, तो दोनों की टॉप नॉच है, क्योंकि कॉस्मोस अल्ट्रा में भी आपको IPS पैनल मिलता है HD, एस फोर मैक्स में अल्ट्रा HD IPS पैनल मिलता है, तो ठीक है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको कॉस्मोस अल्ट्रा में ही मिल जाएगा, लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन पेज पे। अब कितना है वो नहीं पता मेरे को, मेरे को लगता है 5-10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि एमोलेड पैनल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं होगा कि कॉस्मोस अल्ट्रा एमोलेड पैनल तो नहीं दे रही है, क्योंकि उसने वर्ड ही ऐसे ऐसे यूज़ कर रखे हैं। बहुत ही तगड़ी डिस्प्ले ओवरऑल, मतलब स्प्लेंडेड डिस्प्ले, ये सब चीज़ें यूज़ कर देती है कंपनी, तो कस्टमर थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। एस फोर मैक्स में आपको UHD अल्ट्रा HD IPS पैनल मिलता है। आगे बात आती है यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास दोनों में ही यूज़ किया गया, बट प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने। 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी देखने को मिलती है दोनों ही वॉचेज़ में, साथ ही में 600 निट्स की ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस भी दोनों में ही कमाल की मिलती है। बट अगर हम साइड बाय साइड रखेंगे अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाएंगे, तो एस फोर मैक्स थोड़ी सी ज़्यादा बेटर आपको अपीलिंग देगी पिक की, जब आप अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाते हो। अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की, क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में ही लगा सकते हो। इनफैक्ट एस फोर मैक्स में सिर्फ तीन ही वॉच फेस मिलते हैं आपको वॉच में, थर्ड वॉच फेस को आप चेंज कर सकते हो, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। कॉस्मोस अल्ट्रा में ये काम अच्छा किया गया है, 12 इनबिल्ट वॉच फेस मिल जाते हैं पहले तो। दूसरा, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस इसमें लगा सकते हो, टन्स ऑफ वॉच फेस आपको थ्रू द एप्लीकेशन आप यहाँ पे चेक ऑन कर सकते हो, बट एक ही वॉच फेस को चेंज कर सकते हो अपनी पिक के साथ अगर आपको लगाना है तो। और लाइव वॉच फेस का ऑप्शन डेफिनेटली एस फोर मैक्स में मिल जाता है, कॉस्मोस अल्ट्रा में भी मिल जाएगा आपको। उसी के साथ साथ बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो कॉस्मोस अल्ट्रा में एक्जैक्टली बताया तो नहीं कितने स्पोर्ट्स में मिलते हैं, बट एस फोर मैक्स में 12 स्पोर्ट्स में मिलते हैं, और IP67 रेटेड है। 1 मीटर जो है इसकी डेप्थ सब सबमर्जेबल, मतलब बताया गया है कंपनी ने। और एस फोर मैक्स में एक फीचर भी जिससे पानी लॉग आउट होता है, तो मेरे ख्याल से कॉस्मोस अल्ट्रा में भी देना चाहिए। वैसे एस फोर मैक्स का टॉगल मेन्यू मेरे को बेटर लगा था अदर वॉचेस से, अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका जो वो UI था बेटर था। और बात आती है यहाँ पे आगे एक्यूरेसी की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मात खा जाती हैं दोनों ही वॉचेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, 70-75% तक की एक्यूरेसी मिलती है। यहाँ पे मैंने ऑक्सीमीटर के साथ टेस्ट किया था एस फोर मैक्स का, HR अच्छी तरीके से काम कर रहा था, SPT लेवल मॉनिटर और जो अदर मतलब BP मॉनिटर ये सब चीज़ें हैं उसमें तो प्रॉपरली वर्क नहीं करती। दूसरा, स्टेप्स काउंटिंग, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी तरीके से काम नहीं करते।
ये भी आपको मानना ही पड़ेगा। और रिव्यूज़ प्रिव्यूज़ इवन मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, वो सब पढ़ के आपको बता रहा हूँ, और इवन प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करके मेरे को पता चला। उसी के साथ साथ सेंसर्स की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायस्को सेंसर, इवन बीपी मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। तो हूबहू मेरे ख्याल से कॉपी करी गई है। यहाँ पे एस फोर मैक्स ने कॉस्मोस की कॉपी कर ली, मतलब कॉस्मोस ने एस फोर मैक्स की कॉपी कर ली। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप यूज़ कर सकते हो, मतलब दोनों में ही मिल जाते हैं स्मार्ट नोटिफिकेशन। कॉलिंग फीचर मिलता है और रिप्लाई बैक तो कर नहीं सकते दोनों में ही। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कानो टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है, स्मूथ मैं कहूँगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है बट स्मूथ है। वैसे जो आपका हनीकॉम मेन्यू है वो स्मूथ चलेगा दोनों में ही। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.1 देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कॉस्मोस अल्ट्रा में कुछ चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी दी गई हैं एस फोर मैक्स में जो नहीं है। NFC मिल जाता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, पासवर्ड सेट का ऑप्शन, कैलकुलेटर, ये मिल जाता है। एस फोर मैक्स में वायरलेस चार्जिंग एक्स्ट्रा है, दैट्स इट, और सारी की सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं कॉस्मोस अल्ट्रा के साथ। एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर सकते हो, आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाते हैं ऑप्शन। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करते हैं, हार्डवेयर वाइज दोनों ही वॉचेस सिमिलर ही मिलती हैं। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में यहाँ पे कॉस्मोस अल्ट्रा में तो 12 UI मेन्यू मिल जाते हैं, मतलब 12 जो आपको मेन्यू स्टाइल है वो मिल जाती हैं। एस फोर मैक्स में भी आपको 11 मिल जाती हैं, वैसे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और ड्यूअल बटन कंट्रोल मिलता है आपको एस फोर मैक्स में, कॉस्मोस में आपको सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है। और गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन, लेफ्ट राइट, सारे के सारे फीचर्स का एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये अच्छी बात है। उसी के साथ साथ बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं आपकी एस फोर मैक्स की 280 mAh है एज कम्पेयर टू कॉस्मोस अल्ट्रा की 260 mAh है। 10 डेज का रन टाइम क्लेम किया गया एस फोर मैक्स में, बट एक्चुअल में जो रन टाइम है बहुत ही कम मिलता है लोगों को, एक दिन का ही मिल रहा है मैक्सिमम लोगों को, और ये रियलिटी है। कॉलिंग पे अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन रखते हो 5 मिनट वाला जो है टाइमर, तो भी आपकी एक दिन ही चलने वाली है। वैसे अगर फिटनेस मोड पे बात करें तो एस फोर मैक्स मेरी 3 डेज तक चल रही थी आराम से। कॉस्मोस की बात करें तो ये भी आपको इतना ही बैटरी बैकअप देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी मेरे को लगता है ऐसा। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है, वैसे वायरलेस चार्जिंग एस फोर मैक्स में, डॉक वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है जैसे आई वॉच में होता है, मतलब एप्पल की वॉचेस में। कॉस्मोस अल्ट्रा में आपको मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है देखने के लिए। एक्चुअली उसकी बात करें तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके 5 डेज का बैटरी लाइफ मिलता है। और अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन कर दिए, नहीं मतलब सारे सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखें और कॉलिंग वॉलिंग पे बात करो, एक दिन का बैटरी बैकअप मिल सकता है। मेन फीचर्स की बात आती है, HR मॉनिटर मिल जाता है, SPT2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है, BP मॉनिटर का ऑप्शन भी है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग और सेडेंटरी रिमाइंडर तो है ही है। अब बात आती है बिल्ड क्वालिटी, टॉप नॉच है यहाँ पे, एल्युमिनियम की केसिंग का बेस पॉलीकार्बोनेट है। वॉच का जो वेट है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलरली देखने को मिलता है दोनों में ही। और यहाँ पे एस फोर मैक्स में आपका जो स्ट्रैप है वो थोड़ा सा एप्पल टाइप का है, कॉस्मोस अल्ट्रा में तो नॉर्मल मिल जाता है। सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है यहाँ पे एस फोर मैक्स में, स्ट्रैप की क्वालिटी मेरे को बहुत बेकार लगी थी, अच्छी नहीं है, आप मार्केट वाले चेंज कर सकते हो। वॉच डायल एल्युमिनियम में, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग की, तो कॉस्मोस अल्ट्रा है वो फ्लिपकार्ट पे सेल पे है, अभी जाके ग्रैब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, सीधे जाके बाय कर लो। दूसरा एस फोर मैक्स की बात हम करें, उसका जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, वैसे 3500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, आई गेस मैंने 3500 में या 3700 में मंगाई थी मैंने इस वॉच को, और अभी जो इसका प्राइस है वो 5000 रुपीज़ चल रहा है। बट गाइज अगर आप टेक्पो का कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको फ्लैट डिस्काउंट 500-600 रुपये का मिल सकता है, आप जाके ग्रैब कर लो। राइट, 500-600 तो नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा कम होगा, वही मतलब 250 रुपीज़ से लेके आपको 300 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको एस फोर मैक्स पड़ जाएगी। बट गाइज अभी थोड़ा सा रुकिए, कंक्लूजन ये आती निकल के, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। कंक्लूजन ये निकल के आती है कि एस फोर मैक्स अगर जब तक आपकी 4000 से नीचे नहीं जाती तब तक मैं रिकमेंड नहीं करता इसको, मत लीजिएगा। कॉस्मोस अल्ट्रा 3000 में डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, आई नो, बट दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब डिस्प्ले में मात खा रही है वॉच, शार्पनेस बेटर नहीं मिलेगी, 240 पिक्सल्स का नॉर्मल सा रिजोल्यूशन दिया गया इसमें, तो यहाँ पे हार जाती है हमारी कॉस्मोस अल्ट्रा। डेफिनेटली इन द एंड यहाँ पे विनर बन जाती है एस फोर मैक्स। तो गाइज ये था मेरा एक डीप डाउन कंपैरिजन दोनों ही वॉचेस के लिए। अगर आपका क्वेरी दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।